सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के कमेंट पर मैं ला चुका हूँ आप सभी के पसंदीदा वीडियो, जो कि मेरा हेडिंग है टीबी। टीबी यानी टीबी से रिलेटेड मैं वीडियो लाया हूँ, जो कि हर आदमी के घर में टीबी लगा हुआ है। कोई कोई 99% यानी 100% में 80% लोगों के घर टीबी लगा हुआ है। 20% होंगे जिनके घर टीबी नहीं लगा होगा। आजकल तो हर किसी के घर में एक टीवी तो है, तो इसीलिए मैं आपको टीवी पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया हूँ और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, एक टीवी सेट, मान लीजिए कोई टीवी का सेट है, यानी एक टीवी सेट की कीमत, यानी कीमत को मूल्य बोल सकते हैं, रेट बोल सकते हैं। तो एक टीवी सेट की कीमत जो है 3,000 रुपये है, यानी एक टीवी का जो मूल्य है क्या है, 3,000 रुपये है। तो ऐसे 6 सेटों की कीमत क्या होगी। सेट कहने का मतलब है कि टीवी में जो कोड होता है, जो सीडी होता है, जो भी हम मतलब टीवी के जो ज़रूरी सामान है लेते हैं, तो यानी एक सेट टीवी लेते हैं तो हमको लग रहा है कितना, 3,000 रुपये। अगर ऐसे ही 6 सेट लेंगे, 6 सेटों लेंगे, तो कितनी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा, सिर्फ ये और स्टडी एक चैनल है, और स्टडी जिस पर आप अभी पढ़ रहे हैं, इसी चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड होता है, जो कि आपके डेली लाइफ में यूज क्वेश्चन होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक टीवी का जो मूल्य है, यानी एक टीवी सेट का जो मूल्य है 3,000 रुपये है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक टीवी, TV.B. यानी सेट लिखिए या नहीं लिखिए इससे कोई मतलब नहीं है, इसका जो मूल्य है कितना रुपये है, तो 3,000 रुपये है। एक टीवी सेट का मूल्य है 3,000 रुपये। हमको ऐसे ही 6 सेट लेना है तो कितना रुपए देना पड़ेगा। तो एक टीवी ले रहे हैं यानी एक टीवी सेट ले रहे हैं तो 3,000 दे रहे हैं, तो हमको क्या 6 सेट लेना है, यानी मान लीजिए कि 6 सेट लेना है, तो क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ 6 से गुना कर देंगे। यानी एक टीवी सेट है ना, तो लिखेंगे 1 × 6 TV सेट, 1 × 6 TV सेट, और यहाँ पर है 3,000, 3,000 × 6 रुपये, 3,000 × 6 रुपये हो जाएगा। इधर देख सकते हैं बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, 1 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 TV सेट, यानी 6 TV सेट का हमको दाम निकालना है, मूल्य निकालना है। तो चलिए यहाँ पर मूल्य निकल जाएगा, सिर्फ गुना कर देना है। तो 6 में 0 से 0, 6 में 0 से 0, 6 में 0 से 0, और 6 × 3 = 18, यानी 18,000 रुपये। ये जो है 6 TV सेट अगर हम लेंगे तो हमको 18,000 रुपये देना पड़ेगा, और यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर एक टीवी सेट का दाम जो है 3,000 रुपये है, तो 6 TV सेट हम लेते हैं तो हमको 18,000 रुपये की भुगतान करनी पड़ेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।